दोनों लड़कियां, मेरी दोनों बेटियों में से एक का पति मर गया और दूसरी को घर से निकाल दिया। यहां जिंदगी आसान नहीं है। क्या करोगा मो? पत्थर की घिसाई करते करते मेरे फेफड़े खराब हो गए, मैं बेकार हो गया। जब मेरा मर्द गया तो मैं अपने बच्चों के साथ पिताजी के घर वापस आ गई। उनकी मदद के लिए हम कभी कभी पेड़ से सीताफल तोड़ के बेच देते। हम लोग जंगल में रहते हैं, पैसा कमाने का बस एक जरिया है सीताफल, वो भी साल में एक दो महीना। पूरा दिन जंगल में पेड़ से सीताफल तोड़ने के बाद व्यापारी जो पैसे देता हम वो ले लेते थे। पूरा दिन इधर उधर सीताफल बेचकर भी 50-100 रुपए से ज्यादा नहीं मिलता था। दो साल पहले ICICI फाउंडेशन से लोग आए, उन्होंने इन जंगलों में हम महिलाओं को सिखाया कि सीताफल पेड़ से कब तोड़ना है और कैसे तोड़ना है। अब तो बढ़ना है, अब तो। पहले सीताफल हाथ से तोड़ने के बाद जल्दी खराब हो जाता था, कीमत भी कम मिलती थी, पर इस कैंची और टोकरी ने सब बदल दिया। बड़ी मुश्किलें आई हैं, डगर में बड़ी कठिनाई है, कुछ करने की चाहत जो आई है, अब तो बढ़ना है। 50-100 रुपए रोज से हमने 250-300 रुपए सिर्फ फल बेचकर कमाना शुरू किया और इसमें हमारी और भी बहनें जुड़ गईं। रख जिंदा दिल में उम्मीदों को, अब तो बढ़ना है, मुझे अपने डर से लड़ना है, अब तो बढ़ना है। हमने सीताफल का गूदा निकालना भी सीखा, रोज की कमाई 500 रुपए तक बढ़ गई। कुछ करने की चाहत जो आई है। ICICI फाउंडेशन की मदद से हर मौसम में हमारी कमाई 30,000 रुपए तक हो जाती है और अब हम बचत गट में भी जुड़ गए हैं। अब तो बढ़ना है। अब मेहनत करके अच्छा लगता है, अगर सबको ऐसे मदद मिल जाए तो कितना अच्छा हो। अब तो बढ़ना है।